तो गाइस फाइनली व्लॉग अपलोड हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ घर पे क्योंकि पापा का कॉल आ गया अर्जेंट। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाय, आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम मजे में होंगे। सभी बज रहे हैं मॉर्निंग के साथ तो अपने घर पे उधर, ठीक है। तो आज व्लॉग के साथ मैंने इधर से किया, मैंने सोचा है कि अपन रोजाना अलग अलग जगह से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कभी छत से किया कभी बाहर से किया, और लेकिन आज इस जगह से मैंने एक भी बार ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा आज यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और देखो इधर कौन कौन है। तो इधर मेरी दादी, ठीक है, और इधर चूल्हा जला रखा मस्त, उधर गैस भी रख दिया अपने, तो इधर खाना वाना बना रहे, और इधर रोहित आ गया है, ठीक है। तो देखो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा अपने, इससे पहले वाला अपन गए थे 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है वहाँ बाजार लगता है, वहाँ पे गए थे सामान बेचने के लिए दीपक वगैरह, तो वो ब्लॉग देखा होगा आपने। फिर बात फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, ठीक है, फिर आज ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इससे एक बीच में ब्लॉग रह गया अपना, तो कोई बात नहीं। तो रवि गाइस एक बात बताऊँ, मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती, अभी क्या है दिवाली का टाइम है, तो हमारे जो घर में है ना काम ही काम रहता है, वहाँ दुकान पे बाजार में, ठीक है, दीपक कलश वगैरह का और मटके वगैरह का, तो फुर्सत भी नहीं मिलती, ठीक है, नहाने की फुर्सत भी नहीं मिलती है यार। तो मैं एक बात बताऊँ, कल तो मैं नहाया भी नहीं, ठीक है, हाथ मुँह वगैरह धो लिए और कपड़े चेंज कर लिए बस मैंने। तो आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करूँ, तो अभी तो एक काम कर दे गाइस, मेरा भी एक ब्लॉग पड़ा पेंडिंग में, उसको भी अपलोड करना है और मेरे पास डाटा खत्म हो गया है, अपन चलने वाले हैं शायद अभी वाई फाई के पास, थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपन घर का और फिर वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सो गाइस मेरा काम हो गया फाइनली, जो छोटा मोटा काम बचा था मेरा छोटा सा कर लिया मैंने और अभी चलना अपन को वाईफाई के पास। उससे पहले मैं जरूर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सो गाइस आज धनतेरस, ठीक है, 10 नवंबर है आज, और तो आज के दिन धनतेरस मनाते हैं, तो आप सभी को जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन अकलेरा में बहुत बड़ा मार्केट का मेला लगेगा, मेला, लेकिन उसमें रुपया नहीं आएगी, क्या हुआ सीन, आज है ना यहाँ का हाट लगता है, मतलब बाजार, अकलेरा का बाजार शुक्रवार के दिन, तो आज बहुत ही ज्यादा पब्लिक रहने वाली है, और मैं भी ऐसा हो सकता है कि मैं ज्यादातर दुकान पर हूँ आज, ठीक है, ज्यादा टाइम उधर स्पेंड करना पड़ेगा मेरे को, और घर पर कोई भी नहीं है, सब वहाँ पर गए अपनी दुकान पे, देख लो खाली है पूरा घर, कोई भी नहीं है। पहले अपन ब्लॉग डाल के आते हैं अपना, तो फाइनली स्टेडियम में अलग ही और उधर चक्कर जा रही है मेरे को देख रही, मैं क्या कर रहा, तो चलते डायरेक्ट वाईफाई के पास, और देखो अभी गली कितनी मस्त लग रही है अपनी, अभी सुबह सुबह का मस्त माहौल है और ठंडी ज्यादा नहीं लग रही, अभी हल्की हल्की लग रही, क्योंकि मैं ब्लॉग डाल के आ गया, ठीक है, और रात को एक सीन हो गया, मैं अपने गोली दवाई खाना भूल गया, तो सर्दी ज्यादा और बढ़ गई मेरे, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो फाइनली पहुंच गया अपन वाईफाई के पास, ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया है मैंने, और देखो इधर रोड पे हूँ अभी। सो गाइस फाइनली ब्लॉग अपलोड हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ घर पे क्योंकि पापा का कॉल आ गया अर्जेंट कि गाड़ी छोड़ के आनी है मार्केट में, तो मैं जा रहा भगते भगते बोले कुत्ते। हाँ बोलो, ये भी ले जाना है कटी, तो गाइस आ गए अपन घर पे और अभी पापा बोलेंगे तो बाजार में चलेंगे बाइक लेके, क्योंकि कुछ सामान छोड़ के आना। सो गाइस चलते हैं एंड मैं सामान छोड़ के आ जाता हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं अपन डायरेक्ट मार्केट में, ठीक है, मार्केट में मिलेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे वहाँ पे, और मैं पापा बैठ गया चला। तो गाइस फाइनली पहुंच गया अपन मार्केट में इधर अंदर अपनी दुकान पे, तो ये लग रही है अपनी दुकान, पीछे देखो ये पूरे बाजार में मटके मटके मेला, वो इधर रोहित So guys, finally आ गए घर पे और गाड़ी को रखते इधर, तो चाबी निकालते बाइक से और रोहित चला गया अंदर, ठीक है, और मार्केट में मैंने थोड़ी ज्यादा वीडियो नहीं बनाई रोहित की वजह से, रोहित बोला कि जल्दी चल तू घर पे चल, तो आगे घर पे इधर सामान रखा अपने और अभी क्या सीन देता है मुझे नहीं पता, तो दो मिनट सीधे कैमरा बंद करते हैं अपन। सो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं इसको सही कराने के लिए, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस ये है टॉप है टॉप, ठीक है, तो हमने कल काम एक जगह सामान बेचने गए थे तो वहाँ से खरीद ली भैया ने, तो क्या हुआ सीन ये थोड़ी टूटी आ गई यहाँ से, तो इधर लीकेज हो रही देख सकते हो आप,
तो ये फूटती नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको थोड़ा रिपेयर कराना है, वेल्डिंग कराना है। तो अभी इसको वेल्डिंग वाले के पास लेके चल रहे हैं अनिल भैया ने कॉल के लिए, इसको सही करा के लेके आ जाए। तो बस चलते हैं वहाँ पे, सही हुआ तो करवा के लेके आएंगे, वरना वापस खाली आ जाएंगे अपन। तो चलते हैं अभी। तो गाइस इधर आए थे हम वेल्डिंग कराने के लिए और दुकान ही बंद है इधर, तो यार ये ठीक है तो पूरी दुकान ही बंद है, अब क्या करें। तो चलते वापस खाली आज घर पे, वेल्डिंग कराने के लिए आए थे लेकिन दुकान तो पूरी खाली, चलते अभी घर पे डाले। So guys, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे, अपन कब मिले थे, सुबह मिले थे अपन 10-11 बजे करीब, तब अपन यहाँ पे सामान वगैरह लेने आए थे। और तो अपना जो फटाका था धमाका, क्या बोलते हो, तो उसको वेल्डिंग कराने के लिए गए थे और लेकिन दुकान बंद थी, तो बस फिर जिसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, ठीक है। मोबाइल चार्ज लगा दिया था मैंने और तब का फिर अब जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो इधर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं और बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ रहा है यार, साउंड मेरी आवाज़ आ पा रही होगी नहीं आप तक। और गाइस इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़, कसम से मैं बता नहीं सकता, इधर दिखा दूँ मैं आपको, देखो ये गाइस, ये वाली अपनी दुकान है, मेरे पापा बैठे, मम्मी और रोहित बैठा उधर। और गाइस देखो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं बता नहीं सकता आपको, उधर देखो उधर ये। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 6:30 घंटे हो रहे हैं, ठीक है 6:30 बज रहे हैं और लगभग अब जाके मैं काम से फ्री हुआ हूँ और अभी तक भीड़ लगी रही है, देख सकते हो यार गिरा होगी। और बस सारे इधर से, और गाइस मेरे पापा अभी तक सामान बेच रहे हैं और अभी तक फ्री नहीं है, बस घर पे जाएंगे। अब क्या है, गाड़ी मेरे पास दिख रही है और मेरे को देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे पापा खड़े इधर। क्या हुआ अंकल जी, क्या हुआ? बाजार में बड़ा काम चल रहा है, तो गिराकी बड़े हो रही है, सब बात बड़े चल रही है, मंगल में काम है। दीपावली की शुभकामना आपको, दीपावली की अंकल जी की तरफ से। हाँ देखा अंकल जी कैसे बात कर रहे थे उनसे यार, ठीक है मजे ले रहे हैं ये भी। और अभी घर पे चल इनको लेने आया, मैं तो चला गया था पहले यार, और आज कसम से बताऊं 10 राउंड मान लिया मैंने यहाँ बाजार की गाड़ी थक गया मैं बिल्कुल। और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा डरती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मना करती मत बना मत बना, लेकिन तुम्हारा आवाज जो तरह भाई जोगिंदर वीडियो बनाएगा। और इधर अपनी गाड़ी खड़ी यार, देखो ये अगले व्लॉग्स लाइक करें। तो गाइस अब मेरे को पता नहीं कितना टाइम और लगेगा इनको लेके चलना है, और वीडियो वगैरह भी डालनी है मेरे को, और अभी रेडी भी होना है, कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, डायरेक्ट ऐसे आ गया, आपको वगैरह कुछ भी नहीं धोए, और फुर्सत ही नहीं मिलती यहाँ पे, गिरा कितने रहते हैं खाने की ना पीने की, बस चलेंगे फ्री हो गए यहाँ से, ठीक है। देखो पूरा माल साफ अपना और अपनी दुकान से यहाँ पे लगती है जगह पे, देख लो क्या बोलूँ मैं आज। गाइस फाइनली आ गए अपन घर पे और कपड़े कर लिए मैंने चेंज, देख सकते हो तो कपड़े चेंज कर लिए मैंने फाइनली, और सुबह का बिल्कुल भी फुर्सत में नहीं था मेरे को, क्योंकि सुबह का काम रहता है और अभी सीजन चल रहा है यार अपने दीपावली के, गर्मी के टाइम तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि इस टाइम अपने सीजन रहता है, तो इस टाइम जो मिट्टी के बर्तन है ज़्यादा बनती है, मतलब दीपावली के टाइम दीपक कलश मटकी वगैरह फूल, ठीक है ये ज़्यादा बिकती है, और गमे में मटकियाँ बिकती है, तो फुर्सत नहीं रहती, दिन भर पता नहीं कैसे निकल जाता है, और खाने पीने की भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता कसम से बता रहा मैं आपको, ठीक है वहाँ पे खा लेते हैं जो भी ठीक है, और कहीं और गिरा कितने ज़्यादा रहते हैं कि पानी वगैरह की भी फुर्सत नहीं मिलती, क्या ही करें कुछ समझ में भी नहीं आता, और आधा दिमाग वहाँ पे क्या बताऊँ, क्यों छोड़ो उस बात को। तो अभी क्या है, सीन मम्मी आ गई, छोटा भैया आ गया, दादी आ गई, और अब मार्केट में कौन कौन है, तो मार्केट में बड़ा भैया और पापा आए सिर्फ, तो वो आ जाएंगे उनके हिसाब से, एंड अपन तो रेडी अपन देख सकते हो, तो भी कमरे में मेरा ठीक है। और अभी क्या प्लानिंग है मेरे पास कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो कुछ होगा मैं आपको दिखा जाऊंगा, बने रहे ब्लॉग में।